अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। फिफ्थ क्लास लेसन टू हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज इन द अर्थ एटमोसफियर ट्रैप हीट टू कीप आवर अर्थ वार्म। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? अर्थ के एटमोसफियर में, जिसका काम क्या है? हीट को ट्रैप करना, हीट को रोकना, ताकि वो मज़ीद अर्थ को गर्म ना करे। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इन साइड द एटमोसफियर इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। What kind, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएँ, what kind of human activities are responsible for climate change? ठीक है, आपने human activities यानी इंसानी सरगर्मियाँ बतानी है जो ज़िम्मेदार हैं क्लाइमेट के चेंज होने की। द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दरख्त काटे जाना, एरिया फॉर एग्रीकल्चर, डीफॉरेस्टेशन इन जनरल, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, केमिकल्स, मेटल्स इटीसी एटसेट्रा आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो हैं फैक्टर्स वो क्या करते हैं क्लाइमेट को चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फिफ्थ क्लास। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।